नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। और कोडिंग और डिकोडिंग से रिगार्डिंग मैं पार्ट वन में उसका शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उससे शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के बारे में, जो कि है लेटर कोडिंग। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पार्ट वन में देखा है कि जो अल्फाबेट्स हैं इसका पर्टिकुलर नंबरिंग दिया हुआ है, तो उसमें हमको नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि टी, टी का नंबरिंग कितना दिया हुआ था, 20, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि किसी कोड लैंग्वेज में टीचर को, किसी भी कोड लैंग्वेज में टीचर को हमने लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है BGCHEJGT। तो कह रहा है कि उसी कोड लैंग्वेज में चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टीचर को किसी कोड लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, तो चिल्ड्रेन को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको टीचर और इस वर्ड के बीच में हमको कोई लॉजिक फाइंड आउट करना है, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग चिल्ड्रेन को बना देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें टीचर दिया हुआ है, तो टी का जो कोडिंग नंबर होता है अल्फाबेट नंबर वो क्या है, 20 है। हम पहले नंबरिंग ले लेते हैं, ई का कितना हो गया, 5 हो गया, ए का कितना हो गया, 1 हो गया, और सी का कितना हो गया, 3 हो गया, और एच का कितना हो गया, 8 हो गया, डी का 5 हो गया, और आर का राजा मीन 18 ईयर का राजा हो गया, ठीक है। तो आपको ये किस तरह से याद रखना है, आपको मैं पार्ट वन में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो आपको ये नंबरिंग आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ABCD लिखें, फिर 1 to 26 तक नंबरिंग लिखें, फिर उसको मैच करें, तो उससे आपका टाइम लॉस होगा। इस तरह से ये लिख लिया हमने, आपका करना हम इसका नंबरिंग लिख लेंगे वी। वी में क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट, तो क्या होगा, ये 21 हो गया। जी, जी को किस तरह लिखते हैं, ये 7 हो गया। सी, सी का क्या होगा, 3 हो गया। ई का हो गया 5, और जे का क्या हो गया, ई जो टी, तो ई जे, जी का कितना हो गया, 10 हो गया, और जी, जी का कितना हो गया, फिर ये 7 हो गया, और टी का कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम लोगों को सिंपली क्या देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला नंबरिंग ये 20 दिया हुआ है, 20 का 21 कर दिया, मतलब इसमें +1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है, 5 का 7, तो इसमें +2 ऐड कर दिया, मतलब पहले नंबर में +1 ऐड किया, दूसरे में +2 ऐड कर दिया, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में भी उसने +2 ऐड कर दिया, ठीक है। ओ सॉरी, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट का कितना होगा, यहाँ पर 22 होगा, तो यहाँ पर भी क्या उसने 2 ऐड किया, 20 का 22 हो गया, तो उसने +2 ऐड किया। 5 में भी उसने 7 हो गया, तो +2 ऐड किया। 1 का इसमें 3 हो गया, तो इसमें +2 ऐड किया। अब यहाँ पर 3 का देखेंगे, 3 में कितना हो गया, ये 5 हो गया, इसमें भी उसने +2 ऐड किया, और 8 का इसमें ये 10 हो गया, तो इसमें +2 ऐड किया। 5 का इस तरह से उसने 7 ऐड किया, और ये 20 ऐड किया। मतलब क्या है कि जितना इसका टी का अल्फाबेट क्रमांक कितना दिया हुआ है, 20, तो उसने प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पर एक नया नंबर बना दिया, तो इस तरह से उसने कोड कर दिया। इसी तरह से इसी लॉजिक को हम यूज करते हुए चिल्ड्रन का लॉजिक बनाएंगे, कैसे। और सी का क्या होता है, सी का नंबरिंग होता है 3। एच का कितना होता है, हाइट का 8 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, और डी का कितना हो गया, 4D, तो 4 हो गया। आर का कितना हो गया, राजा, तो ये 18 हो गया। ई का हो गया 5, और एन का कितना हो गया, 14। अब हमको क्या करना है कि प्रत्येक नंबर में +2 ऐड कर देना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें +2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, +2, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसमें +2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये 16 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट लिख देना है। 5 का अल्फाबेट क्या होता है, ये ई हो गया। 10 का क्या हो गया, जे हो गया, 10 का जे, और 11 का क्या हो गया, के, किंग्स 11 पंजाब होता है, और 14 का हो गया नाइट्रोजन एम, और 6 का क्या हो गया, फिफ्थ, तो 6 यहाँ पर एफ आ जाएगा। 20 तो T20 होता है, 7 हो गया तो G7 होता है, और 16 तो प्रिंस 16 साल का राजा प्रिंस होता है। तो हम क्या कर सकते, तो उसमें इस लैंग्वेज में हम लोग चिल्ड्रेन को ये नंबर लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि टीचर को किसी लैंग्वेज में ये लिखा है, तो चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे। तो चिल्ड्रेन को हम इस लैंग्वेज में ये नंबर लिखेंगे, E J K N F T J P, ठीक है।
तो हम इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमको अल्फाबेट्स नंबर याद होना चाहिए। तो अल्फाबेट्स नंबर अगर आपको याद होगा तो इसका सिंपली लिखेंगे, फिर इसका भी लिख लिया तो हमको लॉजिक पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, प्लस टू ऐड किया गया, प्रत्येक नंबर में प्लस टू ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने चिल्ड्रेन का भी लॉजिक बना लिया, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे कि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। और दूसरा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि इफ रोस्ट इज कोडेड एज पी क्यू वाई यू आर, अगर किसी लैंग्वेज में रोस्ट को पी क्यू वाई यू आर लिखा हुआ है तो उसी लैंग्वेज में स्लोपी को क्या लिखेंगे, ठीक है, एस एल ओ डबल पी वाई, ठीक है। हमारा न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है सिंपली, किसी कोड लैंग्वेज में हम लोगों ने आर ओ ए एस टी रोस्ट को लिखा हुआ है पी क्यू वाई यू आर, तो उसी लैंग्वेज में हम स्लोपी को क्या लिखेंगे। तो हम सिंपली जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया है, इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग लिखना है। आर क्या होगा, राजा तो ये 18 का होगा, और ओ ऑक्सीजन तो ई जे ओ, ई जो टी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, ए का ये 1 हो गया, और एस का ये क्या होगा, सोल्जर तो ये क्या होगा, 19 हो गया, और डी तो ये 20 हो गया, ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गया। अब सिंपली हमको इसका नंबर लिख लेना है टी, तो क्या होगा, प्रिंस हो गया, प्रिंस का 16 साल। अब ये देखा क्यू हो गया, तो क्यू को 17 हो गया, और वाई हो गया तो वाई जेड, तो वाई कितना हो गया, 25, क्योंकि ये क्या होगा वाई, तो ये वाई क्या होता है, 25 होता है। और यू दिया हुआ है यू, तो ये यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आर तो राजा ये 18 ईयर का हो गया। तो हमको सिंपली इसमें और इसमें रिलेशन देखना है, तो ये क्या किया हुआ, 18 का 16 कर दिया, तो इसमें क्या किया उसने, माइनस 2 कर दिया, 18 माइनस 2 कर दो 16 हो गया। सिंपली ये 15 दिया हुआ है, 15 और 17 में क्या है, इसने प्लस 2 कर दिया, यहाँ पर माइनस 2 किया, फिर दूसरे नंबर में उसने प्लस 2 कर दिया। अब तीसरे में देखते हैं, 1 है, 1 से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 में उसने क्या किया, माइनस 2 कर दिया, तो ये क्या होगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 हो गया, 1 में उसने माइनस 1 करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जेड पहुँच जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर माइनस 1 करेगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, 19 का 19 के बाद क्या होगा, 19 20 21 हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस 2 कर दिया इसने, और फिर 20 दिया हुआ है, 20 से 18 दिया हुआ है, तो फिर इसने माइनस 2 किया। तो इसमें नंबरिंग सिंपली क्या दिया हुआ है, माइनस 2 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 फिर माइनस 2, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ पर याद रखना है इसका, तो पहले हम इसका नंबरिंग लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 19 सोल्जर, एल तो 12, और ऑक्सीजन का दिया हुआ, तो ऑक्सीजन में कितना होता है, ई जे ओ, तो ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 15 हो गया, और पी प्रिंस 16 साल का प्रिंस हो गया, प्रिय प्रिंस 16, और वाई वाई का कितना हो गया, 25। तो हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस 2 से, तो यहाँ पर पहले में क्या होगा, फिर माइनस 2 होगा, फिर दूसरे में क्या होगा, प्लस 2 होगा, फिर तीसरे में माइनस 2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2 होगा, फिर यहाँ पर भी माइनस 2 होगा, फिर यहाँ पर भी प्लस 2 होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 19 माइनस 2 ये 17 हो जाएगा, 12 प्लस 2 ये 14 हो जाएगा, 15 माइनस 2 ये 13 हो जाएगा, और 16 प्लस 2 ये 18 हो जाएगा, और 16 माइनस 2 ये 14 हो गया, और ये 26 प्लस ये क्या हो जाएगा, 27, तो 27 को क्या लिखेंगे, तो 26 तक तो ये जेड तक हो गया, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 प्लस 2 तो 26 में जेड हो गया, फिर 27 में फिर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, 17 को क्या लिखते हैं, क्यू, तो क्या होगा, 17 का 17 क्यू हो गया। और 14 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 13 में क्या होता है, मीड होता है, तो एम हो गया, और ये क्या था, 18, तो राजा 18 साल का राजा होता है, और 14 हो गया, तो फिर ये क्या एन हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो हमारा सिंपली क्या दिया हुआ है कि किसी कोड लैंग्वेज में, हमारा क्वेश्चन ये था, किसी कोड लैंग्वेज में आर ओ ए एस टी को पी क्यू वाई यू आर लिखते हैं, तो उसी कोड लैंग्वेज में स्लोपी को क्या लिखेंगे, एस एल ओ डबल पी वाई को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इससे हमने लॉजिक फाइंड आउट किया,
किस तरह का लॉजिक बनाएगा, तो लॉजिक ये था कि अल्टरनेट में पहले माइनस टू करना, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू, इस तरह से हमने इसका नंबरिंग लिखा और यहाँ पर वो लॉजिक अप्लाई किया, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू। तो नंबरिंग लिखने के बाद हम लोगों ने उसका अल्फाबेट लिख दिया, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो कि इसी से रिगार्डिंग है। चलिए देखते हैं, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि इन ए सडन सिस्टम ऑफ कोडिंग द वर्ड स्टेटमेंट, हमें दिया हुआ है एस टी ए टी ई एम ई एन टी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को उसने लिखा हुआ है, इसको उसने किसी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, टी एन ई एम ई टी ए टी एस, उसने ये लिखा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन ऑफ सिस्टम ऑफ कोडिंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर द पॉलिटिकल, ये दिया हुआ है पी ओ एल आई टी आई सी ए एल। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में एस टी ए टी ई एम ई एन को उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है, टी एन ई एम ई टी ए टी एस, तो उसी कोड लैंग्वेज में पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे, और सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्टेटमेंट को ये लिखा हुआ है तो उसी लैंग्वेज में पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है सिंपल प्रिंसिपल है हमको कि जो हमें दिया हुआ है उससे हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है और जो हमको फाइंड आउट कर फिर जो हमें पूछा हुआ है उस पर अप्लाई कर देना है। तो हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, ये दिया हुआ सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है कि इसने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको जस्ट उसने रिवर्स कर दिया, जैसे कि यहाँ पर एस दिया हुआ तो एस लिख दिया, यहाँ पर टी दिया हुआ तो यहाँ पर टी कर दिया, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए कर दिया, फिर टी दिया हुआ तो टी, ई का ई लिख दिया, एम का एम हो गया और ई का ई एन, और ये क्या हो गया टी हो गया। तो इसने जस्ट क्या किया जो नम जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसने जस्ट उसका रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर एस पहले आ रहा था तो एस लास्ट में आएगा, फिर टी तो फिर टी आया। तो इस तरह से हमारा लॉजिक ये बन गया कि जो नंबर दिया हुआ उसको जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ वो पहले लिखना है और इस तरह से कर देना है। इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो नंबर लास्ट में लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ वो पहले लिखना है, तो एल, फिर उसके बाद ए आ रहा है तो फिर ए, फिर सी आ रहा है तो फिर सी कर दिया, फिर आई आ रहा है तो आई लिख दिया, फिर टी आ रहा है तो टी लिख दिया, ठीक है, फिर आई आ रहा है तो आई लिखा आई, फिर क्या होता है एल तो एल लिख दिया, फिर ओ तो ओ लिख दिया, और फिर पी तो पी लिख दिया। तो हमने क्या किया इसमें हमारा लॉजिक ये बन रहा था कि इसको जस्ट नंबर को रिवर्स करना था, तो हमने इस नंबर को भी रिवर्स कर दिया, जो एल लास्ट में आ रहा था उसको पहले लिख दिया, फिर इसे इस अकॉर्डिंग टू लास्ट को पहले और पहले को लास्ट में, इस तरह से हमने इस नंबर को अरेंज कर दिया। तो हम इस लैंग्वेज में पॉलिटिकल को लिखेंगे ये नंबर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को ये लॉजिक फाइंड आउट करना है और इस तरह से जो हमको गिवन दिया हुआ है उससे हम लोगों को क्या करना है कि जो हमको क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इससे रिगार्डिंग और भी न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ जो कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें मदद करेगा। थैंक यू।